नमस्कार। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 ये हमने कर ली थी। नाउ आफ्टर दिस सम मोर डेफिनेशंस एंड सम मोर एक्सरसाइजेस। तो नेक्स्ट इज सबसेट्स। तो सबसेट में इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए इज सेट टू बी a subset of b denoted by a is a subset of b if all the elements of set A are also the element of set B. All the elements of A, these are also the element of B. अगर हम example के लिए A is a set of say 1, 2, 3 and B is a set say 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां पे हम देखेंगे कि A के सब एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। सो देयरफॉर A विल बी ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। इवन अगर इसके अंदर बी में अगर सिर्फ ये 1, 2, 3 ही होते, ये अगर नहीं होते, तो भी ए बी का सबसेट कहलाता, क्योंकि सब एलिमेंट्स इसके यहां पे है ना। इवन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, और जब ए और बी इक्वल वो होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे, देन दे आर सेट टू बी इक्वल सेट्स ऑल्सो। तो यहां पे अच्छा, अगर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं इसमें बी के अंदर, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो इफ बी हैज एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी विल बी सुपरसेट ऑफ ए अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए हुए हों। तो यहां पे इसको लिखने का मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग इज A is a subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। मतलब A अगर कोई सा भी एलिमेंट है A का, तो वो B में भी होगा, then A is said to be a subset of B। ये दिस इज मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इक्वल सेट्स के लिए भी हमने अभी जैसे देखा, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी
A is a subset of B and B is a subset of A. Agar ye bhi ho. So this will happen this if this implies A is equal to B. अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, मतलब A के सब एलिमेंट्स B में हैं, B के सब एलिमेंट्स A में हैं, तो इसका मतलब होगा A is equal to B होगा. इस सिंबल को बोलते हैं implies. और इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड सही है तो राइट हैंड साइड सही है. इसका उल्टा भी होगा. इसका उल्टा मतलब ये अगर यूं हम एरो इधर भी लगा दें तब A is equal to B, this also implies A is a subset of B and B is a subset of, मतलब left hand side true, right hand side true होगा, और अगर right hand side true हो, तो left hand side will also be true. इसको both way implication का sign है, और इसको if and only if, ये If and only if को अगर हमको लिखना हो मैथमेटिकली तो हम ये सिंबल यूज करके बोथ वे इंप्लीकेशन का साइन यूज करके और इसको लिख सकते हैं. तो यहां पे इन दिस डेफिनेशन ऑफ सबसेट वी हैव सीन दिस मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग. इसके बाद में ए और बी इक्वल कब होंगे तो ये भी चीज हमने देखी. अच्छा अब यहाँ पे अगर कुछ चीजें हम देख सकते हैं फाइ मतलब नल सेट. नल सेट ये इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब दिस विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. कोई भी सेट लो उनका सबका सबसेट ये फाइ हमेशा होगा. तो फाइ इज A subset of all sets. Phi हमेशा हर उसका कोई सा भी सेट ले लो उसका सबसेट होगा. This will be. And after this यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करे हैं. तो देखिए पहला एग्जाम्पल पेज 10 में क्यू द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर. ये हमने जैसे हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स दिस इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर. होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं. होल नंबर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं एंड सो ऑन. तो सब एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर के हैं वो होल नंबर के अंदर है. मींस नेचुरल नंबर एन इज ए सबसेट ऑफ, सो दिस एन इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर. फिर हमने देखा कि होल नंबर इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इंटीजर. क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं और इंटीजर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 तो होते ही हैं. उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1, -2, -3 ये भी उसके अंदर होते हैं. देयरफॉर दिस होल नंबर इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इंटीजर. अब अगर हम देखें इंटीजर और रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स इंटीजर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. और हर इंटीजर को चाहे कोई सा भी, अगर -5 लें, -5 को हम -5/1 लिख दें. तो अगर कोई सा भी नंबर कोई भी इंटीजर हो उसके अपॉन में 1 लिख दो इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड देयरफॉर दिस इंटीजर विल बी सबसेट ऑफ रैशनल नंबर.
अब जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात आएगी, इरेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू डैश से। इरेशनल नंबर्स इसके सेट को डिनोट करते हैं क्यू डैश से। तो हम देखेंगे अब इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे रूट टू, रूट थ्री, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो सब इरेशनल नंबर्स के आते हैं। क्या रैशनल नंबर इसका सबसेट होगा? आंसर विल बी नो। क्या इंटीजर इसका सबसेट होगा? आंसर इज नो। ऐसे ही होल नंबर भी इसका सबसेट नहीं होगा, नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स लें, रियल नंबर्स आर, तो उसमें नेचुरल नंबर भी इसका सेट सबसेट होगा, होल नंबर भी इसका सबसेट होगा, इंटीजर भी होगा, इवन रैशनल नंबर विल आल्सो बी ए सबसेट ऑफ क्यू, विल बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ऑल रैशनल्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, इवन इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्यू डैश, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल्स और इरेशनल सभी इंक्लूड होते हैं। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर सबसेट्स। फिर यहां पे दूसरे और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इफ यू विल गो थ्रू, ए इज ए सबसेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56, देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इनको आप एक बार इसको जस्ट आप कीजिएगा और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उसको देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स के बाद में एग्जांपल 9 and 10, दीज आर आल्सो गिवन सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने यहाँ पे सब देख लिए। फिर इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे इंटरवल्स इंटरवल्स हम इसमें चार तरह के इंटरवल्स होते हैं। ये पहला इंटरवल है, ये इस तरह का अगर दिया हुआ हो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये अगर ए बी ये इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसके अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो ए से बी के बीच में, मतलब वो सब नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स जो ए से बी के बीच में आते हैं, लेकिन ए नहीं ले सकते और यहां पे बी भी नहीं ले सकते। मींस दिस विल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में आ सकती है। ये सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में और ये इस ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट इज ये फर्स्ट टाइप का इंटरवल है। दूसरे टाइप का है, अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको पहले नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना देख लें। नंबर लाइन के अंदर अगर ये नंबर लाइन है, इसमें ये ए और ये बी है, अगर दिस इज ए एंड दिस इज बी,
जब हमको ए को इंक्लूड नहीं करना है, जब ए को इंक्लूड नहीं करना है तो हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और इसको अंदर से खाली कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और इसको बीच में से खाली कर देते हैं, मतलब इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक, और इसको डार्क कर देते हैं। ये डार्क कर दिया, इसका मतलब यहाँ से लेके इधर तक सब नंबर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं यहां से यहां तक, लेकिन ना तो ए इंक्लूडेड है और ना ही बी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब दूसरा है, सेकंड इज क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा इसके लिए, इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है, तो इसमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब इसमें ए को भी इंक्लूड किया है क्योंकि इक्वल टू साइन है, बी को भी इंक्लूड किया है क्योंकि इक्वल टू साइन है, और लेस देन साइन होने से इनके बीच के भी सब नंबर्स इंक्लूड किए हुए हैं। इसको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो कैसा आएगा, ये इसमें ये ए और ये बी दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको हम डार्क कर देंगे और इसके बीच की लाइन भी, इसको भी हम डार्क कर देंगे, मींस ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दिस टू एंड इवन ए एंड बी दीज आर आल्सो इंक्लूडेड, है ना। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, ए बी और बी के साइड से स्क्वायर ब्रैकेट और इधर ओपन वाला ब्रैकेट, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, दिस इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड दिस विल, अब यहां पे जैसा कि इससे लग जाता है कि ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है, तो दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स बट लेस देन और इक्वल टू बी, तो यहां लेस देन और यहां पे लेस देन और इक्वल टू साइन यूज किया हुआ है, और इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे ए को इंक्लूड नहीं किया तो इसको ओपन कर दो, और बी को इंक्लूड किया हुआ है इसको डार्क कर दो, बी दिस इज ए सो दिस इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल, राइट। अब चौथा होगा ए की तरफ से क्लोज्ड और बी की तरफ से ओपन, मींस दिस इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल।
So here, this fourth one is closed open interval. A की साइड से क्लोज्ड है और B की साइड से ओपन है. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन इंटरवल. इसमें A इंक्लूड है. जब A इंक्लूड है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा. B इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे केवल लेस देन का साइन आएगा. और इसको जब हम नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो A को तो हम डार्क कर देंगे बिकॉज A इज इंक्लूडेड, और B को इसको खाली कर देंगे सर्कल को, जिससे कि ये इंक्लूडेड नहीं है, ये बी इंक्लूडेड नहीं है. तो ये चार तरह के इंटरवल्स होते हैं रियल नंबर्स के अंदर, एंड ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर लाइन. दीज विल बी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. ओके, अच्छा, इसके बाद में आते हैं पावर सेट. अब पावर सेट क्या होता है, इसके पहले आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर ए, इफ दिस इज ए सेट से ए एंड बी, इसके अगर हम सबसेट्स देखें कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके, तो सबसेट्स के अंदर सबसे पहले तो फाइव, ये हर सेट का सबसेट होता है. फिर अगर हम लें सेट सिंगलटन सेट ए, तो ये ए इसका सबसेट है क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है. फिर अगर हम लें सेट बी, तो ये भी इसका सबसेट है. फिर अगर हम देखें सेट ए बी, ये भी इसका सबसेट होगा. लेकिन इस तरह के सेट्स को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर मतलब क्या है कि इनके अंदर अगर इक्वल एलिमेंट्स दिए हों तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. तो यहाँ पे सबसेट्स के साथ में आप इम्प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हैं. जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे तो एक दूसरे के सबसेट्स तो हैं, बट दीज आर इम्प्रॉपर सबसेट्स. और प्रॉपर सबसेट्स कब होंगे, जबकि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो दूसरे सेट के अंदर, तो प्रॉपर सबसेट बोलेंगे. ठीक है, अच्छा, तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट. और अगर इन्हीं सभी सबसेट्स का एक सेट बना लें, देन दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. तो ये पावर सेट है इसका. अगर हम अगर सेट ए अगर हम ले सपोज ए बी एंड सी, अगर ये ले, अब देखें कि इसके पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर देखिए, सबसे पहला तो फाइव नल सेट, ये तो सबका सबसेट होता है. फिर अगर हम सिंगलटन सेट्स लें तो ए सिंगलटन सेट बी, ये भी इसका सबसेट है. सिंगलटन सेट सी, ये भी इसका सबसेट है. फिर अगर लें ए बी, तो ये इसका सबसेट है. बी सी, ये भी इसका सबसेट है. सी ए, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस. एंड ए बी सी, ये भी इसका सबसेट है. और इन सभी सबसेट्स का सेट अगर हम ले लें तो दिस इज पावर सेट ऑफ ए. तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस इज ए सबसेट, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ. तो पावर सेट क्या हो जाएगा, This is a set of all subsets of it. और इसको denote करते हैं इससे, है ना.
अच्छा यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर मान लो तीन की जगह यहाँ पे चार एलिमेंट्स दिए होते तो भी हम सबसेट्स निकाल सकते थे उसके, पहले सिंगलटन सेट, फिर दो वाले, फिर तीन वाले और फिर चौथे चार वाला एक ही केवल एक। यहां पे अगर आप देखेंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इसको डिनोट करते हैं एनए से, एनए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसमें कितने हैं यहां पे, दीज आर गिवन टू, लेकिन इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए ये कितना है, एक दो तीन चार, चार ठीक है। अच्छा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दीज आर थ्री, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए ये कितने हैं, यहां पे आठ, यहां पे आठ है। अच्छा यहां पे हमने दो एलिमेंट्स लिए, अगर मान लो एक ही एलिमेंट होता, एक एलिमेंट होगा मतलब ए इज इक्वल टू, अगर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो पावर सेट ऑफ ए इसके अंदर एक तो हो जाएगा फाइव और दूसरा हो जाएगा ए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए दिस इज टू, तो यहां पे टू है, यहां पे फोर है, यहां पे एट है, मींस दिस इज टू टू द पावर वन, दिस इज टू टू द पावर टू एंड दिस इज टू टू द पावर थ्री। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दीज आर एन तब ये कितना हो जाएगा, टू टू द पावर एन। सो इफ वी कैन राइट दिस, इफ number of elements in set A is equal to n, then number of elements in power set A will be equal to 2 to the power n। ये हमारा formula बन जाएगा number of elements in power set। दस फिर universal set, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर हम ऑल द सेट्स वी विल कंसीडर अंडर डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई से भी नंबर्स लेंगे उसके लिए सेट ऑफ रियल नंबर विल बिकम यूनिवर्सल सेट। तो आफ्टर डूइंग दिस डेफिनेशंस वी विल डू exercise 1.3 next time।